पूरी दुनिया की तुलना में एक तरह से यानी कह सकते हैं ना के बराबर है। हम भी सिर्फ कार्बन फ्यूल जलाकर अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने ग्रीन ट्रांजिशन का रास्ता चुना। प्रकृति प्रेम के हमारे संस्कारों ने हमें गाइड किया, इसलिए हम सोलर, विंड, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखिए, भारत G20 का ऐसा देश है जिसने पेरिस क्लाइमेट गोल्स को सबसे पहले पूरा कर दिया।2014 के बाद से भारत ने अपनी सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी को 30 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। हम देश के हर घर को सोलर पावर होम बनाने में जुटे हैं। इसके लिए रूफटॉप सोलर का बहुत बड़ा मिशन हमने शुरू किया है। आज हमारे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सोलराइज हो रहे हैं। भारत घरों से लेकर सड़कों तक एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग के रास्ते पर चल पड़ा है। इन सारे प्रयासों से भारत में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा हो रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ रहा है। आप सभी नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से परिचित है। आप हैरान होंगे, आज भारत का 5G मार्केट, बताऊं, बुरा नहीं लगेगा ना, आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है। और ये 2 साल के भीतर भीतर हुआ है। अब तो भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। सो वॉट वी रियली एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट इज डेवलपमेंट advanced technologies, and Prime Minister spoke about everything in his speech. He spoke about 6G, he spoke about drone, but something that is really appealing is we are focusing a lot on sustainability, we are focusing on inclusive growth, and Prime Minister covered everything in his speech. He spoke about rural development, he spoke about participation of women and men together in the development, he spoke about how women are controlling drones in the agricultural sector in India, and it is not at the cost of environment. We are the one of the top country to achieve Paris climate targets. So this is really interesting to hear about India's progress from Prime Minister's speech.